अब इस आरटीपी की स्पीड यकीन करें, अगर आपने पेड आरटीपी इस्तेमाल किया सेम टू सेम वैसी है यार। इंटरनेट की स्पीड बड़ी मस्त आती है इसके अंदर, बहुत तेज स्पीड है। यहाँ पर गो पर मैंने क्लिक कर दिया। अब कोई भी ऐसी फ्री वेबसाइट नहीं होती जिसके अंदर इतनी तेज स्पीड चल सके आरटीपी की भी और इंटरनेट की भी। अब यहाँ पर आपके सामने देखो तकरीबन 550 या 600 MB की स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको फ्री में आरटीपी क्रिएट करना सिखाया। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ भाई मुझे आके कमेंट कर रहे हैं, भाई हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब जब मैं उनके कमेंट देखता था तो मुझे गुस्सा भी चढ़ता था और मैं हैरान भी होता था कि ये वही प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी जिनका सलूशन उसी वीडियो में बताया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये था कि वीडियो की जो उनकी लेंथ है मेरी वो थी 8.5 मिनट की और जो वो वीडियो वॉच कर रही थी उनकी एवरेज थी तकरीबन 1 मिनट 55 सेकंड की। मतलब कि वो 8.5 मिनट की वीडियो 2 मिनट तक भी वॉच नहीं कर रहे थे। 8.5 मिनट की वीडियो वो 2 मिनट वॉच कर रहे हैं और 6.5 मिनट की वीडियो को वो स्किप कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो उनसे प्रॉब्लम थे वो स्किप करके जा रहे थे, बाकी ऊपर ऊपर से देखते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है, फिर वो कमेंट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, हम इसको कैसे सॉल्व करें। जबकि मैंने ऑलरेडी उसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है भाई ये प्रॉब्लम आपको आएगी, इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो ऐसे आप कभी भी काम नहीं कर सकते। एक वीडियो की लेंथ है 10 मिनट और आप 1 से 2 मिनट देखकर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते वो टास्क को। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि वीडियो को कंप्लीट देखिया करें ताकि आपको हर चीज प्रॉपरली समझ आ सके। जी हाँ, आपने थंबनेल और टाइटल में ठीक देखा, मैं आज आपको फिर से एक जबरदस्त आरटीपी बनाकर दूंगा जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनाओगे और उसको इजीली लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अब पिछले वीडियो के अंदर एक कॉमन कमेंट ये भी था कि भाई आरटीपी बहुत ज्यादा स्लो है और इसको चलाने में इतना मजा नहीं आ रहा। भाई आज की वीडियो मेरे से गारंटी ले लो, जितनी पेड आरटीपी की स्पीड होती है उतनी ही आज की आरटीपी की स्पीड होगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अगर आज की वीडियो आप कम्प्लीट देख लेते हो तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि आपको फ्री में आरटीपी मिलेगी और आप उसको जब तक चाहो यूज कर सकते हो। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखें, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे कमेंट करें। और खुदा रहा नीचे कमेंट लाजमी करें अगर आप ये आरटीपी बनाने में कामयाब हो जाएं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर डन लाजमी लिख दें ताकि जो न्यू व्यूअर आ रहे हैं उनको आइडिया हो सके कि जो बंदा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है वो सक्सेसफुली आरडीपी बनाकर यूज कर रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ फ्री आरडीपी फॉर लाइफ टाइम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह फ्री में आरडीपी बना सकते हो और उसको लाइफ टाइम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और आपने इस नोट पैड का डाउनलोड करना है। मैं इसका लिंक आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी गाइस, ये बात मैं वीडियो में बताना भूल गया था कि मैं डायरेक्ट लिंक आपको नोट पैड का नीचे नहीं दे सकता डिस्क्रिप्शन में। तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक में मैंने वो लिंक लगा दिया अपने इस ग्रुप में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आप इसको फॉलो भी करें और ये पहले नंबर पर जो आया यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे और आप डायरेक्ट आ जाओगे उस नोटपैड पर। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसीलिए इसको यूज भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ग्रुप को भी लाजमी से फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपने फोर लिंक पर आना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने क्रोम ब्राउजर में आना, सिंपली न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर आने के बाद वो लिंक पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ये जो है आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें। 9 MB का ये सॉफ्टवेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर सॉफ्टवेयर है। सिंपल जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे अब आपने इसको इंस्टॉल करना है। कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस मिलेगा, सिंपली इस पर डबल क्लिक करें और इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पर करें, यहाँ पर इसका एक्सेप्ट करें एंड देन नेक्स्ट एंड इसको इंस्टॉल पर लगा दें। ऑलराइट, यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपल इसको फिनिश कर दें एंड इसको यहाँ से आप कर दें बैक। अब आपने क्या करना, दोबारा नोट पैड में आना है। नोट पैड में आने के बाद ये जो थर्ड वाला लिंक है इसको आपने कॉपी करना है और लाकर यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर में इसको आप पेस्ट करोगे और इसको यहाँ पर आप सर्च करोगे। तो इस तरह की वेबसाइट आपके पास एनजी रॉक की आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली आपने साइनअप करना है, साइनअप करना मैंने इसका रहा, सिंपल ईमेल दो, पासवर्ड दो और यहाँ पर इसको साइनअप कर लो अपने ईमेल से। उसके बाद मेरे पास पहले ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं क्या करता हूँ इसको लॉग इन करके अपने पास रख लेता हूँ। जब ऐसे इसका डैशबोर्ड आ जाए आपने क्या करना है, योर और टोकन यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आने के बाद छोड़ देना है। अब आपने यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना है, अब आपने क्या करना है, ये जो सा फर्स्ट लिंक है ना आपने इसको कॉपी करना है पूरे को, ठीक है। इस पूरे लिंक को आपने कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद एक न्यू टैब ओपन कर लो, यहाँ पर आने के बाद वो लिंक आपने पेस्ट करके इसको सर्च पे क्लिक कर देना, ठीक है।
तो जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करोगे कुछ सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, मेरे क्रोम में मेरा जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन है, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा नोटपैड में आना है, जो सा सेकंड वाला लिंक है ना इसको यहाँ से पूरे को कॉपी करना है, ध्यान रहे पूरे को कॉपी करना है CURL से लेके विंडोज 10 तक। ठीक है, इसको आप सिंपल कॉपी करेंगे और अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पर जो सा ब्लिंक हो रहा है ना लाइट, इस पर क्लिक नहीं करना आपने, सिंपल आने के बाद कंट्रोल वी कर दोगे आप। ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह, और उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल एंटर पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप एंटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग एनजी रॉक लिखा जाएगा। अब वो कह रहा है कि हमें और टोकन दो यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या करना, अपनी ये वाली जो एनजी रॉक की वेबसाइट में आना है और ये वाला जो सा कोड है इसको कंप्लीट कॉपी करना है, एंड देन यहाँ पर आने के बाद आपने फिर अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल वी करना है और यहाँ पर इसको एंटर पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्या कहते हैं कंट्रीज के नेम आ रहे हैं और उनके स्टार्टिंग में आ रहा है शॉर्ट की। अगर आप यूएस की बनाना चाहते हैं तो यूएस लिखें, इंडिया की बनाना चाहते हैं तो IN लिखें। तो मैंने यूएस की बनाई थी लास्ट टाइम, तो मैंने यूएस लिखा था, बट मुझे सिंगापुर की मिली थी वो, तो मैं खैर लिख देता हूँ दोबारा से। यूएस लिखने के बाद आप जो सी भी बनाना चाहें उसका शॉर्ट की लिखें, उसके बाद एंटर पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक मिनट यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर ये कुछ डिटेल बन रही हैं, आपकी जो RDP है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपने बस सिंपल फ्यू मिनट के लिए यहाँ पर वेट करना है। ऑलराइट, यहाँ पर जो हमारी RDP है वो सक्सेसफुली बन चुकी है। अब यहाँ पर जो RDP का टाइम मिला है आपको वो मिला है 43,200 सेकंड का। अगर आप इनको हार्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 12 घंटे बन जाते हैं, तो आप 12 घंटे तक कंटिन्यूसली इसको आप यूज कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि ये वाली जो सी वेबसाइट आपकी ये ऑफ ना हो, तो वरना आपकी RDP भी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब अपने RDP को लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए आपने जो सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था नो मशीन के नाम से, इसको आपने ओपन करना है सबसे पहले, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओके करते रहोगे, और यहाँ पर आपने ना ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ऑलरेडी मैंने काफी यहाँ पर RDPs यूज की हैं, परसों मैंने ये बनाई थी, उसके बाद कल ये बनाई है, अब आपके सामने एक और बना रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है, नेम आप जो मर्जी देते हैं यहाँ पर, तो मैं दे देता हूँ RDP, और नीचे होस्ट आपने क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है यहाँ पर होस्ट में, आपने देना अपना IP एड्रेस, ये जो सा यहाँ पर IP एड्रेस लिखा हुआ है उसके नीचे ये नंबर से लेके आपने शुरू से कॉपी करना है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना लाकर। ठीक है, अब पोर्ट में आपने क्या देना है, यहाँ पर पोर्ट में ना ये जो उनसे नंबर है ना, इनको यहाँ से आपने कॉपी करना है और वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दोगे आप। ठीक है, और यहाँ पर जो उनसे नंबर है ना इसको आप कंप्लीट रिमूव कर दोगे। ठीक है, नंबर से पीछे IO के आगे एक डबल डॉट भी है, उसको भी आपने रिमूव कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड पर आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पर आपके सामने कुछ ये बनकर आ चुका होगा। ठीक है, अब आपने सिंपल करना ये, इस पर डबल क्लिक करना है और ये अब कनेक्ट होगी आपकी RDP के साथ, तो आपने यहाँ पर इसको ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर यूजर नेम है, आपने कहाँ से लेना है, यूजर नेम आपका ये है, सिंपल इसको कॉपी करें और लाकर यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। उसी के नीचे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड को आपने कॉपी करना है, वो भी यहाँ पर लाकर पासवर्ड की जगह पर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव कर लें, ताकि आपको अगर ये आपका सॉफ्टवेयर बंद भी हो जाए आपको दोबारा इसको लॉगिन ना करना पड़े, तो सेव पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको सिंपली लॉगिन पर आप क्लिक कर दोगे। अब ये इतनी सिंपल RDP बनाना मैंने आपको सिखाई है, हर कोई ये बना सकता है, यस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर वही बंदा बना सकता है RDP जो अब तक ये वीडियो को कम्प्लीट देख रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल ओके करते रहना है और यहाँ पर आपकी जो RDP है वो बनकर आपके सामने आ चुकी है। इसको आप क्या करो, इसको ओपन कर लो, बड़ा कर लो स्क्रीन को। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये जो सी स्क्रीन है ये बहुत ज्यादा जूम है, इसको थोड़ा सा हम दूर करेंगे, यानी कि डिस्प्ले की थोड़ी सेटिंग करेंगे, विंडो पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पर आएंगे और यहाँ जो इसका रेजोल्यूशन है इसको हम कर लेंगे 1280x720। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको अप्लाई पर क्लिक कर देना है एंड कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप इसको करके क्लोज कर दोगे। अब इस RDP का मसला ये है कि इसके अंदर आप कोई और ब्राउजर इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसके अंदर जो सा प्री इंस्टॉल ब्राउजर है आप जस्ट वो इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मैं सबसे पहले IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ, ये इसका प्री इंस्टॉल ब्राउजर है। तो यहाँ पर हमारे सामने ब्राउजर ओपन हो चुका है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर न्यू टैब में जाता हूँ, सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। अब इस RDP की स्पीड यकीन करें, अगर आपने पेड RDPs इस्तेमाल की है सेम टू सेम वैसी है, आप इसके अंदर वीडियोस चला सकते हो, हर चीज कर सकते हो। अगर आप देखें ना ये फ्री के हिसाब से तो ये वन ऑफ दी बेस्ट RDP है जो कि आपको फ्री में इतनी फास्ट स्पीड प्रोवाइड कर रही है। तो सिंपली मैं सबसे पहले गूगल सर्च करता हूँ, गूगल में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम अपना IP एड्रेस चेक करेंगे, यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं और फर्स्ट जो सी वेबसाइट है हम इसी को ओपन कर लेंगे।
ताकि हमें जल्दी से पता लग सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारी लोकेशन है वो सिंगापुर की है। सिंगापुर की आरडीपी है, वो बड़ी कमाल की आरडीपी है यार। इसके बाद आपको मैं स्पीड टेस्ट भी करवा देता हूँ इंटरनेट की, कि कितनी स्पीड हमें मिल रही है यहाँ पर। स्पीड टेस्ट के लिए आपको पता ही है, स्पीड टेस्ट आप सर्च करते हो गूगल में, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ओखला की, इसी पर हम अपनी स्पीड टेस्ट कर लेंगे। यार इंटरनेट की स्पीड बड़ी मस्त आती है इसके अंदर, बहुत तेज स्पीड है। यहाँ पर गो पर मैंने क्लिक कर दिया। अब कोई भी ऐसी फ्री वेबसाइट नहीं होती जिसके अंदर इतनी तेज स्पीड चल सके, आरडीपी की भी और इंटरनेट की भी। अब यहाँ पर आपके सामने देखो तकरीबन 550 या 600 MB की स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग, इसी तरह अपलोडिंग की स्पीड होगी। तो यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर है, तकरीबन 1 GB तक जाती है ये, बड़ी मस्त आरडीपी यार। इसको किसी भी तरीके से आप यूज करें, आप यूट्यूब ओपन करें इसके अंदर, यूट्यूब का वॉच टाइम ओपन करें, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हो। बस जो रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये आरडीपी बना ली है, सिंपल कमेंट बॉक्स में जाकर डन लिख दें या सक्सेसफुली आरडीपी क्रिएशन क्रिएटेड लिख दो। बस यार लिख दो यार, कुछ ना कुछ लिख दो, मुझे नहीं पता। अब वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और भी ऐसी फ्री आरडीपीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, भाई को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।